खबर बांदा जनपद से है, जहां बबेरू कस्बे के नहर पटरी गायत्री नगर मोहल्ले पर आटा चक्की का प्लग लगाते समय बगल में रखे इलेक्ट्रॉनिक कांटे से करंट की चपेट में आने से 40 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गई। मामला बबेरू कस्बे के नहर पटरी गायत्री नगर मोहल्ले का है, जहां का रहने वाला लखनलाल कुशवाहा पुत्र बालेश्वर कुशवाहा उम्र 40 वर्ष आज शुक्रवार को सुबह अपने घर पर लगी आटा चक्की का प्लग विद्युत बोर्ड में लगा रहा था, तभी बगल में रखे इलेक्ट्रॉनिक कांटा में करंट उतर आने के कारण लखनलाल कुशवाहा का पैर कांटा में टच होने पर करंट की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। जैसे ही परिजनों ने देखा तो तुरंत बबेरू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती किया, जहां पर डॉक्टरों द्वारा देखते ही परीक्षण करने के बाद मृत घोषित कर दिया गया। मौत की खबर सुनकर परिवार में कोहराम मचा हुआ है। वही सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बबेरू बांदा से कमलेश चौरसिया की रिपोर्ट। क्या नाम है? मेरा नाम हरिश्चंद्र कुशवाहा। कहाँ रहते हैं? गांव पाली है, यहाँ बबेरू में रहते हैं। क्या घटना हुई है? ये चक्की गड़वाए हैं तो ये प्लग लगाने गया है चक्की चलाने के लिए, अब उस कांटे में करंट था तो ये कोई था नहीं वहाँ पे, ये गिरा पड़ा था। जब रोने वोने लगे तब हम पहुंचे, तो जब मैं पहुंचा हूँ इसके पास में तो मेरे पैर छू गया, तब मुझे समझ में आया कि करंट लगा, तब प्लग वो हटाए हैं जल्दी, तब मुझे समझ में आया। फिर कहाँ लेते हैं? फिर यहाँ जो है वहाँ से जल्दी आकर के यही स्वास्थ्य केंद्र लाए हैं। डॉक्टर ने देखा है, 10 मिनट के बाद आए हैं तो कह रहे थे कि देखे सुनने के बाद कि इसमें कुछ नहीं है। हाँ, मृत घोषित कर दिया। मेरा छोटा भाई लखनलाल।